इधर कोलंबस, इधर जाइंट व्हील, काफ़ी सुंदर बना रखा है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे हेलीकॉप्टर बना रखा है, पूरी थीम बना रखी है यहाँ पे। 50 रुपीज़ में कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आशी मानशु ब्लॉग। तो भाई आज मैं आ चुका हूँ आपको जन्माष्टमी मेला दिखाने, जो कि आपका रोहिणी सेक्टर 10 जैपनीज पार्क में लगा है। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि यार नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या रहने वाला है, टिकट प्राइस मेला की क्या रहने वाली है, आप यहाँ पे किस तरीके से आ सकते हैं, अगर आप रिक्शा वगैरह या गाड़ी से आते हैं, गाड़ी वगैरह से आते हैं तो क्या पार्किंग फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलने वाली है, और पार्किंग का कोई चार्ज वगैरह है या नहीं। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, साथ में मेला दिखाऊंगा कि किस तरीके से कितना सुंदर ये मेला रहने वाला है। यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़े बड़े झूले भी देखने को मिलेंगे। सारे झूले मैं आपको दिखाने वाला हूँ, साथ में आपको रेट वगैरह भी बताऊँगा उनका क्या रहने वाला है, और भी मेला में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आइए अपना ब्लॉग शुरू कर दें। ये जो आप एरिया पूरा देख रहे हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं ये सारी यहाँ की पार्किंग रहने वाली है। पार्किंग बिल्कुल फ्री है, आपको हर एक ग्राउंड में पार्किंग देखने को मिल जाएगी, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं होने वाली अगर आप आते हैं आराम से टू व्हीलर या फोर व्हीकल में। सामने आप देख रहे हैं वो एक रहने वाला है वहाँ पर पंडाल, वहाँ पर भी एक मेला लगा है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ कि कन्हैया मित्तल जी, हंसराज रघुवंशी जी और यहाँ पर जयकिशोर जी की कथा भी हो रही है, वो भी आप यहाँ पर आराम से आ सकते हैं, उनका भी यहाँ पर आप आनंद उठा सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर जन्माष्टमी मेला भी घूम सकते हैं साथ ही साथ। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से काफ़ी सारे झूले देखने को मिलने वाले हैं, हम आपको दिखाते हैं एक एक करके। दोस्तों मैं आपको बताऊँ यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन लोकेशन क्या रहने वाली है। लोकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे रोहिणी वेस्ट या फिर रिठाला मेट्रो स्टेशन रेड लाइन पकड़ के आ सकते हैं आराम से, और यहाँ पे आने के लिए आप 10 रुपये का रिक्शा कर सकते हैं। 10 रुपये लेंगे, आपको सीधा बोलना है जैपनीज पार्क छोड़ दो जहाँ पे मेला लगा है, तो यहीं पे आपको 10 रुपये ई रिक्शा करके आ सकते हैं। या फिर अगर आप कार या बाइक से आ रहे हैं, टू व्हीकल से आ रहे हैं, तो आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ने वाला है रोहिणी वेस्ट। आप गूगल मैप लोकेशन डाल के जैपनीज पार्क रोहिणी सेक्टर 10 की डाल के भी आराम से आ सकते हैं। एंट्री करते हैं, आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना रखा है यहाँ पे, ये देखो बहुत ही सुंदर बना रखा है यहाँ पे। आप देख रहे हो गणेश जी की, कृष्ण जी, भोलेनाथ जी की, काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे स्टैचू लाइटिंग वगैरह में बना रखी है, बहुत ही सुंदर है। अंदर हम आपको पूरा मेला दिखाने वाले हैं, उससे पहले आप सामने देख सकते हैं, देखो सामने मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, गणपति जी देखने को मिलेंगे। अंदर आते हैं आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको गणपति जी देखने को मिलेंगे, बहुत ही सुंदर बना रखा है इस मेले को ये देखो, और लाइटिंग काफ़ी ज़बरदस्त कर रखी है। देखिए इधर आप देख रहे हैं ये रहने वाली लेडीज़ की लाइन, ये रहने वाली है जेंट्स की। उससे पहले आप देखो यहाँ पे हेलीकॉप्टर बना रखा है, पूरी थीम बना रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे चिड़िया बना रखी है, काफ़ी सुंदर बना रखा है, देखो काफ़ी सुंदर लग रहा है भाई। काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे, CCTV कैमरा भी लगे, यहीं से आपकी एंट्री होने वाली है। इधर साइड आपकी लेडीज़ की, ये जेंट्स की रहने वाली है। इधर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको ढोल बाजे के लिए भी देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे यहाँ पे स्वागत के लिए खड़े हैं। इधर देखो ये चंद्रयान 3 का भी यहाँ पे स्टैचू बना रखा है, काफ़ी सुंदर बना रखा है इस मेले को। इधर आप देख रहे हैं पुलिस बूथ, अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप यहाँ इस काउंटर पर आ सकते हैं, अभी पुलिस वाले नहीं है, सारे सिक्योरिटी बाहर खड़ी है। आज से ही मेला शुरू हुआ है यहाँ पर, देखो जन्माष्टमी के लिए आप यहाँ से राधा कृष्ण जी के लिए यहाँ से आप ये ले सकते हैं, इनके कपड़े वस्त्र ले सकते हैं, मुकुट वगैरह ले सकते हैं। देखो कितना बढ़िया बना रखा है यहाँ पे ये, आप देख रहे हैं भोलेनाथ जी यहाँ पे गुफा बना रखी है, यहाँ पे गुफा भी जा सकते हैं, यहाँ पे जूता सेवा रहने वाली है, जूता वगैरह यहाँ पे उतार सकते हैं। आज उद्घाटन हुआ तो इस तरीके से यहाँ पे शुरू हुआ ये मेला। इधर आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे स्मोक बिस्किट रहने वाले हैं, चलिए एक बार चल के आपको पास से दिखाते हैं कि स्मोक बिस्किट किस तरीके से रहने वाला, क्या रेट रहने वाला है। मैम कितने का मिलने वाला है स्मोक बिस्किट? 20 से स्टार्ट है, 60 तक का है, 50 तक का है ना। तो भाई यहाँ आप देख रहे हो 20 से स्टार्ट होने वाला है बिस्किट, और 50 तक का आपको मिलने वाला है। इधर आप देख रहे हैं ये वाला काउंटर जहाँ पे आप तुर्किश आइसक्रीम खा सकते हैं यहाँ पे। तो भैया आइसक्रीम कितने तक में मिलने वाली है अपने को? 100 150 का, 100 और 150 दो मिलने वाले हैं आपको रेट यहाँ पे। क्या चीज़ भैया? 100 का होगा, मिक्स 150 का। अच्छा सिंगल 100 मिक्स कराओगे तो 150। तो भाई इस तरीके से आपको यहाँ पे आइसक्रीम भी खाने को मिलेगी तुर्किश की। इधर आप देख रहे हैं सोडा काउंटर, यहाँ पे आप लेमन जूस वगैरह ये सब भी पी सकते हैं, मोजी तो पी सकते हैं यहाँ पे आप।
तो इस तरह से आपको यहाँ पे नींबू पानी वगैरह मिलने वाला है। तो भाई सामने आप रेट वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पे आप मिल्क शेक वगैरह पी सकते हैं, आपको वनीला शेक मिल जाएगा, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, बनाना, पाइन एप्पल, काफी सारे आपको यहाँ पे शेक वगैरह मिलने वाले हैं। आपको रेट सामने दिख रहे होंगे, रेट वगैरह आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जूस वगैरह भी पी सकते हैं। इधर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट बार भी देखने को मिलेगा, यहाँ से आप कैंपा कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं। ये रहने वाला आपका कैश काउंटर, यहाँ से आप कैश देके कूपन वगैरह ले सकते हैं। बाकी ये सारा इधर आप स्टॉल देख रहे हैं, ये रहने वाला है पूरा कैटरिंग का, यहाँ पे आपको मिलने वाला है। दिखा देते हैं पास से कि आपको क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे। हम सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे आप पानी पूरी खा सकते हैं। देखो इस तरीके से बना रखा है, काफ़ी सुंदर बना रखा है यहाँ पे कैटरिंग जो सिस्टम बना रखा है ना, कैटरिंग डेकोरेशन भी काफ़ी बढ़िया कर रखी है। यहाँ पे आपको बल्ले पापड़ी, पाव भाजी और साथ में टिक्की वगैरह देखने को मिल जाएगी, चाउमीन मिल जाएगी, बर्गर देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से पूरा यहाँ पे पकौड़े वगैरह सब कुछ बना रखा है, जो भी आपको पसंद हो सामने कैश काउंटर में जाके आप यहाँ से ले सकते हैं। आप कुल्फी वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं, ये रहने वाला है पूरा कुल्फी काउंटर। यहाँ पे आपको रोलर कुल्फी मिलने वाली है, टिल्ला कुल्फी मिलने वाली है। पूछ रहे थे एक बार रेट वगैरह, भैया कुल्फी कितने में मिलने वाली है, कुल्फी कितने में मिलने वाली है अपने को, नहीं रेट क्या रहने वाला है? अच्छा तो भाई यहाँ पर रेट वगैरह भैया कह रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है, आप रेट वगैरह पढ़ सकते हैं। दिखा देते हैं आपको यहाँ पे, आपको काफ़ी कुल्फियों की वैरायटी देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप देख रहे हैं व्रत वाली कुल्फी, वो मिल जाएगी 50 रुपये में, फलूदा कुल्फी, अनार कुल्फी, आम कुल्फी, स्ट्रॉबेरी, शरीफा कुल्फी, स्ट्रॉबेरी कुल्फी, मटका कुल्फी, अंजीर कुल्फी, मतलब काफ़ी वैरायटी में आपको कुल्फी मिलने वाली है। यहाँ पे आप रेट वगैरह पढ़ सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। बाकी यहाँ पे क्या है, आप पैकिंग वगैरह भी करवा सकते हैं। ये रहने वाले हैं पान की वैरायटी, यहाँ पे आपको लखनवी मीठा पान की वैरायटी ये रहने वाली है। यहाँ पे आपको बनारसी पान भी मिल जाएंगे, तो काफ़ी सारे यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। इधर देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा है रात की रानी पान, गोवा पान, मिक्स फ्रूट पान, खुश पान, ड्राई फ्रूट पान, काफ़ी वैरायटी पान की मिलने वाली है। बाकी यहाँ से आप ये क्रॉकरी आइटम भी ले सकते हैं, ग्लास कप वगैरह ले सकते हैं। बाकी सामने आप देख रहे हैं ये रहने वाला है सबसे पहला झूला टेडी बियर बच्चों के लिए। इधर आप देख रहे हैं भूत बंगला, भूत बंगला भी आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी शोर आपको सुनाई दे रहा होगा भूत बंगले का। यहाँ पे इधर आप पढ़ सकते हैं ये क्या लिखा है, एक बार पढ़ते हैं, हैंग फॉर 2 मिनट विन 1200 रुपये। अच्छा भाई यहाँ पे चैलेंज भी आपको गेम्स वगैरह भी खेलने को मिलेगा, अगर आप इस पे टंगते हैं 2 मिनट तक के तो भाई 100 रुपये चार्ज आपको देने पड़ेंगे और विन कर सकते हो आप 1200 रुपये तक। बाकी इधर आप देख रहे हैं जियाइंट व्हील यहाँ पे आपको मिलने वाला है, जियाइंट व्हील आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोलंबस मिलने वाला है। भाई मेला अभी आज से ही शुरू हुआ है, तो अभी यहाँ पे कोई है नहीं, अभी कोई आया नहीं है यहाँ पे। हम आपको सबसे पहले वीडियो दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रहने वाला आपका हेलीकॉप्टर राइड है, यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। एक बार पूछ लेते हैं भैया से कि क्या टिकट प्राइस रहने वाली है हेलीकॉप्टर राइड की। भैया टिकट प्राइस क्या रहने वाली है? 120 रुपये। कितनी देर तक? 10-15 मिनट तक। अच्छा तो भाई भैया बता रहे हैं 10-15 मिनट तक के आपके रहने वाले हैं यहाँ पे 120 रुपये। यहाँ पे आप ये वाली राइड भी कर सकते हैं, ये है ट्रेन वाली राइड, ये भी आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। तो सारी राइड भाई चालू हो रखी है अभी। यहाँ पे आप ये वाला देख सकते हैं, ये वाला पानी वाला बोट वाला भी झूला यहाँ पे आपको मिलने वाला बच्चों के लिए। तो भाई बच्चों के लिए काफ़ी वैरायटी रहने वाली है झूलों की। अरे वो इतने प्यारे प्यारे टेडी बियर वाले झूले मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, इतना बड़ा ये मिलने वाला है देखने को। काफ़ी सारे झूले हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। पब्लिक भी शुरू हो गई आना, पब्लिक भी शुरू हो चुकी है यहाँ पे आना, भीड़ भी काफ़ी हो रही है। काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे झूले लगाए गए हैं, ये देखो यहाँ पे ये वाला झूला भी है, काफ़ी बढ़िया लगता है ये। आज ही शुरू हुआ है मेला, तो अभी सारे झूले चालू है लेकिन लोग नहीं है, तो इस वजह से अभी आपको दिखा नहीं पा रहे हम। ये देखो इतने बड़े बड़े झूले देखने को मिलेंगे आपको। जायंट व्हील तो भाई एक ही मेले में आपको यहाँ पे 4-5 देखने को मिलने वाले हैं। ये आप इधर देख रहे हैं 360 डिग्री, यहाँ पे आप वीडियो फोटो वगैरह बना सकते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं ब्रेक डांस, छोटे बच्चों के लिए भी काफी सारे झूले हैं यहाँ पे। देखो ये रहने वाले फिश वाली राइड, ये कार वाली राइड है, ड्रैगन वाली राइड है। इधर इधर आप देख रहे हैं ब्रेक डांस, ये देखो ये रहने वाला आपका ब्रेक डांस, अभी चालू नहीं है, लोग आएंगे तो चालू कर देंगे, कम से कम 7 से 10 लोग होने चाहिए। इधर कोलंबस, इधर जायंट व्हील, काफ़ी सुंदर बना रखा है, काफ़ी बढ़िया मेला रहने वाला है, आप आ सकते हैं इधर आराम से। ये देखो सामने आप देख रहे हैं ये वाला झूला भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। एक बार चलिए एक रेट वगैरह बता देते इस वाले झूले के भी आपको, क्या रेट रहने वाला है इसका? 120 रुपये। कितनी देर तक? 50 राउंड, 10 राउंड, 10 राउंड के बता रहे हैं भैया यहाँ पे 120 रहने वाले हैं।
यहाँ पे आप 120 रुपए में एंजॉय कर सकते हैं। इधर देखो भाई, कोलंबस शुरू हो गया। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कोलंबस, इसके भी 120 रुपए रहने वाले हैं। इधर देखो भाई, आपको यहाँ पे पेंडुलम वाला ये वाला भी झूला देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो इसकी भी टिकट 120 रुपए रहने वाली है। काफ़ी ऊपर तक जाता है, काफ़ी बढ़िया है ये भी। तो भाई सारे झूले चालू हो गए, यहाँ आप देख सकते हैं सारे झूले चालू हो गए। इधर आपको बच्चों के लिए यहाँ पे गेम्स वगैरह मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप छोटे छोटे बच्चों के लिए गेम्स वगैरह ले सकते हैं। इधर आपको ज्वेलरी वगैरह मिलने वाली है, कपड़े वगैरह मिलने वाले हैं। तो इस तरह से पूरा ये स्टॉल रहने वाला है। काफ़ी सारी यहाँ पे आपको गेम्स वगैरह खेलने को मिलेगी, साथ में काफ़ी सारा खाने पीने के भी आपको काफ़ी आइटम मिलने वाले हैं। मेला आज से ही शुरू हुआ है, तो आप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं, काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। यहाँ पे आप कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं, यहाँ पे आप सॉफ्टी वगैरह खा सकते हैं, और यहाँ पे आप भेलपूरी वगैरह भी खा सकते हैं। यहाँ पे आपको भेलपूरी, सेव पूरी, जलमूरी सब मिलने वाला है। भैया कितने रुपये की मिलने वाली है? 50 रुपीज़ की। 50 रुपीज़ में कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरीके का मेला रहने वाला है, काफ़ी बढ़िया। आइए फैमिली बच्चों के साथ, काफ़ी मज़ा आएगा। क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से जॉइंट व्हील मिलने वाली है, घोड़े वाली ये राइड होगी, कार राइड होगी, ट्रेम्पलिन मिल जाएगी, यहाँ पे कार राइड मिलने वाली है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे देखो, छोटे बच्चों के लिए कोलंबस भी है। तो भाई छोटे बच्चों के लिए काफ़ी यहाँ पे आपको मिलने वाली है, 50-50 रुपये सबका रेट रहने वाला है हर राइड का। तो बच्चे वगैरह भी यहाँ पे फुल इन्जॉय कर सकते हैं बड़ों के साथ साथ। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा मेला दिखाया है, यहाँ पे जो रोहिणी सेक्टर 10 है, जन्माष्टमी का मेला लगा हुआ है। आप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं बच्चों फैमिली के साथ, काफ़ी बढ़िया ही रहने वाला है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे राइड्स आपको देखने को मिलेगी, बच्चों से बड़े तक काफ़ी सारे आइटम आपको खाने पीने के मिलने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। भाई चैनल में आए थे पहली बार, कर लेना सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे मिलेंगे एक और नई ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।